विशेष किशोर पुलिस इकाई व AHTU के सफल क्रियान्वयन हेतु एक बैठक का आयोजन NXC भवन सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पिछले बैठक में हुए कार्यों की समीक्षा की गई तथा मानव तस्करी, चाइल्ड लेबर, रेस्क्यू अभियान, बाल विवाह, गुमशुदा बच्चे, मिशन शक्ति, नारी सम्मान, सुरक्षा व स्वावलंबन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि सभी के समन्वय से निश्चित रूप से जनपद में बढ़ते हुए अपराधों पर रोक लगेगा। साक्ष्य मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क बनेगा, जहां महिलाएं वह बच्चियां, किशोरियां अपने बातों की निर्भरता पूर्वक बता सकेंगी। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मी अपने कर्तव्य और कार्य के प्रति सजग रहें तथा प्रत्येक पीड़ित की समस्याओं को ध्यान में सुने और उनके समस्याओं का उचित निवारण करें। बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित नया सवेरा योजना के बारे में बताते तकनीकी सलाहकार सितारा सिद्दीकी ने कहा कि नया सवेरा योजना यूनिसेफ और श्रम विभाग के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिक बच्चों का शैक्षिक, बौद्धिक व आर्थिक पुनर्वास करके उनके समाज की मुख्य धारा को जोड़ना है। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह, महिला कल्याण अधिकारी सुमन शुक्ला, डॉक्टर मुमताज खान, राजेश मणि त्रिपाठी सहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, CWC, JJB, महिला कल्याण विभाग, श्रम विभाग, यूनिसेफ के प्रतिनिधि व गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, इसके बाद 20 तारीख को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा से बचाव सारा प्रावधान। 21 तारीख को दिनांक 22 को COVID-19 से रोकथाम व सहायता विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त संस्थाओं सहित अन्य सार्वजनिक स्तरों पर संस्थाओं में अधीक्षकों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित के साथ जिला ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर प्रभाव सदस्य बेटी पढ़ाओ सुरक्षा शपथ योजनाओं को सर्टिफिकेट देकर एक कार्यक्रम थे। 17 तारीख से प्रत्येक जिले के ब्लॉक में और प्रत्येक हिस्सा और छेड़छाड़ की घटनाओं के रोकथाम के लिए प्रयास किया जा रहा है। लोग काम कर रहे हैं ये विभाग में हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इसकी रिपोर्टिंग हो पा रही है। खुशी है कि गोरखपुर में जो अभी 17-18 और 19 तारीख है, मुझे ऐसा लगता है पूरे प्रदेश में शायद सबसे बेहतर ढंग से गोरखपुर में इसको ऑर्गेनाइज किया है। 17 वहाँ इस मुलाकात को और जिस तरह से लोगों को बताई गई मुख्य बातें, मैं उस दिन यहाँ था, शायद 15 तारीख को एक मीटिंग रखी गई थी संभवतः इसी हॉल में या 16, उस दिन जो बातें की गई थी कि अगर पॉक्सो पे बातचीत करना है तो एक गांव की महिला पॉक्सो के विषय में कैसे जानेगी, उसको कैसे ब्रीफ कर दिया गया या उसने अपने कुछ अधिकारों के बारे में अगर नहीं जाना, जैसे दसवा वार्ड में या फिर बहुत सारे नंबर है उनको नंबर ही नहीं पता, और नंबर अगर वो कम्युनिकेट कर दिए जाए, जैसे जाता हुआ था कि हैंडपिस दे दी जाए, पोस्टर्स लगा दिए जाए, बैनर्स लगा दिए जाए, लेकिन माउथ टू माउथ अगर कोई मैसेज होती है तो ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में गोरखपुर ने बहुत अच्छा काम किया है। खासतौर से मैं बधाई दूंगा कि यूनिसेफ को, यूनिसेफ ने इसको ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। जो भी महिलाएं आएंगी उनको ये महिला पर्सनल ड्रेस करेगी, उनके ग्रीवांसेस सुनेगी, उसमें किसी पक्ष का उनको बुलाना हो तो बुलाएगी, समझाएगी, उस तरीके से उनको अटेंड करेगी। अभी जो व्यवस्था है हमें, हाँ महिला कॉन्स्टेबल तो रहती है ये तो मानना है, बट जो स्पेशली उनके लिए नोटिफाई हो, उनके लिए स्पेसिफाई हो, ऐसा किसी थाने में है अगर कोई थाना शायद है सर, उनको ब्रीफिंग किया गया है किसी थाने शायद इस तरह की व्यवस्था आपके थाने में वहाँ स्पेसिफाइड गई है कि इनकी 10 से 5 या कुछ इनकी ड्यूटी वहाँ रहेगी और ये महिला जो ड्यूटी होगी उसी को अटेंड करेगी, उनकी ग्रीवांसेस सुनेगी, तो वो महिला एक्सपर्ट होनी चाहिए वहाँ, जो उसकी काउंसलिंग कर सके, उनके मामले को समझ सके, दूसरी पार्टी के बीच बुलाकर उस तरीके की चीज़ों के बीच में बात करा सके, ये
ये चीजें हैं। तो महिलाएं अकेले यात्रा कर रही हैं या फिर अकेले हैं तो उन महिलाओं को विजिटिंग कार्ड हमारे रेलवे प्रोटेक्शन कोर से दिया जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो सारे शिफ्टों में तीन तीन महिलाएं हैं, 0 to 8, 8 to 4, 8 to 16, 16 to 0, तीनों शिफ्ट में तीन तीन महिलाएं लगती हैं सर। यहाँ पे नहीं है ये ESTU और SJPU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्पेशल जुबलाइन पुलिस यूनिट की मासिक समीक्षा या समन्वय बैठक है और ये इस मीटिंग का आयोजन इस जनपद में प्रत्येक माह इसका आयोजन होता रहा है लेकिन आज इसका आयोजन एनएक्सी भवन में इसलिए रखा गया है कि विगत मार्च महीने से जो थाने जनपद के समस्त थानों पर एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, बाल कल्याण अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं और उनके सहयोग के लिए एक महिला आरक्षी भी होती हैं, दो लोगों की टीम रहती है, तो वो सब इस मीटिंग में शामिल हो नहीं पा रहे थे कोविड के कारण। सीमित स्टेक होल्डर्स को लेकर के हम लोग अपना मीटिंग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हर महीने में किए तो आज इसी कारण ये संख्या काफ़ी थी और इनको शामिल करना भी ज़रूरी था। और इसमें पूरे प्रदेश में शक्ति मिशन भी चल रहा है तो महिला सुरक्षा को लेकर के और ख़ास तौर से बाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर के इस मीटिंग का आयोजन होता है। ये बहुत संवेदनशील विषय है, उसी के संबंध में आज आपने देखा आपने कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे सभी जिम्मेदार अधिकारी लोग भी आए हुए हैं, हमारे डालसा के जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव महोदय हैं वो भी आए हुए हैं और ये बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, सदस्य हैं, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के सदस्य हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी इसमें सम्मिलित हैं और आजकल के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं एक एजेंडा बना करके इसमें हम लोग अपना गोष्ठी का आयोजन किए हैं। पिछली बार के मुद्दे के बारे में चर्चा की गई और आज जो भी है एक समन्वय बैठक हम लोग अपना कर रहे हैं, इससे हम लोगों का आपसी तालमेल बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, खास तौर से पॉक्सो के संबंध में भी इसमें वर्तमान में चर्चा चल रही है, यही सब महत्वपूर्ण विषय हैं और इससे निश्चित तौर पे जब आपसी समन्वय अच्छा होगा तो जो हम लोगों का ध्येय है, उद्देश्य है, उसको भी हम लोग निश्चित तौर पे महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे।